भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद कच्चातीवु द्वीप पर बीजेपी और तमिलनाडु की पार्टियां आमने सामने आ गईं। प्रधानमंत्री ने आरटीआई की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा था। इसके बाद उन्होंने तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी डीएमके पर भी निशाना साधा था और एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सीधा लिखा था कि कच्चातीवु द्वीप पर डीएमके ने दोहरा रवैया अपनाया और तमिलनाडु के लोगों के हित में कुछ नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री के कांग्रेस और डीएमके को घेरने पर एआईएडीएमके ने सियासत शुरू कर दी और आरोप लगाया कि बीजेपी ने कच्चातीवु द्वीप का मुद्दा मछुआरों का वोट हासिल करने के लिए उठाया। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके आमने सामने हैं और के अन्नामलाई के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी वहां अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। यानी तमिलनाडु में इस बार तीन फ्रंट है। पहला कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन, दूसरा है मुख्य विपक्षी गठबंधन जिसकी अगुवाई जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके कर रही है। तीसरा फ्रंट है बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन जिसमें पीएमके और एएमएमके उसके साथ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार की कमान खुद संभाल ली है और 1974 में कच्चातीवु द्वीप पर हुए समझौते पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इस बार एनडीए के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए उसने दक्षिण भारत के राज्यों में पूरी ताकत झोंक दी। और पहले चरण के चुनाव से पहले तमिलनाडु में प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां की, क्योंकि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होगा। यानी तमिलनाडु की सभी सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने कच्चातीवु द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेर लिया, क्योंकि कहते हैं कि 1974 में हुए समझौते के बारे में तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री करुणानिधि को पता था और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कच्चातीवु द्वीप समझौते पर सहमति दी थी। तब के अखबारों में लिखा गया था कि करुणानिधि को मालूम था कि इस समझौते से तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत होंगी और इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को भरोसा दिया था कि वो मामले को तूल नहीं पकड़ने देंगे और तमिलनाडु की जनता के गुस्से को संभाल लेंगे। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस मामले से जुड़ी जानकारी के लिए आरटीआई की अर्जी दाखिल की। दावा किया गया कि आरटीआई के जरिए जानकारी मिली कि भारत और श्रीलंका के बीच इस मुद्दे पर हुई बातचीत के हर दौर में करुणानिधि को शामिल किया गया था और इस दौरान उन्होंने एक बार पूछा था कि क्या कच्चातीवु द्वीप से जुड़े समझौते को एक दो साल टाला जा सकता है। लेकिन जब कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली थी तो उन्होंने इस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और कच्चातीवु द्वीप समझौते को समर्थन दे दिया था। लेकिन कई साल बाद जब करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने तमिलनाडु की बागडोर संभाली तो उन्होंने कच्चातीवु द्वीप को वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी थी और पिछले साल पीएम को इस मामले पर एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि कच्चातीवु द्वीप को वापस पाने के लिए भारत श्रीलंका से बात करे। और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने इसी मुद्दे पर डीएमके को घेरा, क्योंकि इस मामले में करुणानिधि का रुख अलग था और उनके बेटे स्टालिन का रुख अलग है, क्योंकि स्टालिन चाहते हैं कि कच्चातीवु द्वीप एक बार फिर भारत के तमिलनाडु का हिस्सा बन जाए। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी किया था और संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कच्चातीवु द्वीप पर बयान दिया था और स्टालिन की केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी की बात छेड़ दी थी और इसीलिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले कच्चातीवु द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके दोनों को घेरा था। सरकार के मुताबिक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में बताया गया कि 1974 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की राष्ट्रपति ने एक समझौता किया था और इसके तहत कच्चातीवु द्वीप को श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। या यूं कहें कि 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन कांग्रेस ने इसके जवाब में 2015 में दाखिल आरटीआई का जिक्र कर दिया और बयान दिया कि 2015 में आरटीआई के जरिए मिली जानकारी में कच्चातीवु द्वीप समझौते को सही ठहराया गया था और कहा गया था कि 1974 की परिस्थितियों के मुताबिक वो समझौता सही था और कच्चातीवु द्वीप श्रीलंका का था। और इसके बाद तो ये मुद्दा और गर्मा गया, क्योंकि इस बार तमिलनाडु में सियासी समीकरण बदले हुए हैं। डीएमके, एआईएडीएमके और बीजेपी तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु में पहली बार ऐसा गठबंधन बना है जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है। इस गठबंधन को रेनबो गठबंधन भी कहा जा रहा है। इस गठबंधन में बीजेपी, जयललिता के करीबी रही शशिकला की एएमएमके और तमिलनाडु के वनियार समुदाय की पार्टी जिसके रामदास अध्यक्ष हैं पीएमके शामिल है। इस बार के चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु की 39 में 29 और पीएमके 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वनियार समुदाय से आने वाले रामदास की पार्टी पीएमके का तमिलनाडु की वेल्लूर, रानीपेट, कांचीपुरम, तिरुवल्लुवर जैसी सीटों पर दबदबा माना जाता है, जबकि बीजेपी तमिलनाडु के पश्चिमी में मजबूत दिख रही और इसी गुणांगणित के हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ और बीजेपी ने तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने कच्चातीवु द्वीप के मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन डीएमके और कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया।
क्योंकि सालों पहले एक समझौते के तहत ये द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बड़ा समुद्री इलाका है और हिंद महासागर के इसी समुद्री इलाके को पाक स्ट्रेट कहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच के समुद्री इलाके का ये नाम अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया था। वो 1755 से 1763 के बीच मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्ट्रेट में कई द्वीप हैं और कच्चा तीवु द्वीप उन्हीं में एक है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है और करीब 285 एकड़ में फैला है। इस द्वीप की भारत के रामेश्वरम से दूरी करीब 19 किलोमीटर है और श्रीलंका के जाफना से दूरी करीब 16 किलोमीटर और श्रीलंका ने कच्चा तीवु को जाफना का हिस्सा बताते हुए इस पर अपना हक जता दिया था। वैसे भारत और श्रीलंका के बीच का ये द्वीप शुरू से विवादों में रहा। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में ये द्वीप एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था और 17वीं सदी में तमिलनाडु के राजा रामनाथ की जमींदारी का हिस्सा था, लेकिन भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद ये मद्रास प्रेसिडेंसी यानी भारत का हिस्सा बन गया था। इस बीच पहली